उत्तरकाशी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर गंगा नदी की सुंदरता को दाग लगा रहे हैं कूड़े का एक पहाड़। सीएम पुष्कर धामी ने इसके अब स्थायी समाधान का भरोसा दिया। उत्तरकाशी शहर के प्रवेश द्वार टनल के पास कूड़े का अंबार लगा है। यहां से गुजरने वालों को नाक बंद करनी पड़ती है। चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इससे काफी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि गंगा नदी में इन कूड़ों को बहाया जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। उत्तरकाशी मुख्य शहर के प्रवेश द्वार के सामने ही ये कूड़े का पहाड़, और आप देख सकते हैं कि ये टनल जो कि उत्तरकाशी शहर को यहाँ से जोड़ती है, इसके ठीक बगल में हाईवे के किनारे ये कूड़े का पहाड़, यहाँ से बदबू भी आती है। इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्यों इस बात को इतने टाइम से दबाया जा रहा है। इतनी बार कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद, हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद जितना भी गंदगी है वो गंगा माँ में समाहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पास भी तत्काल इसका कोई समाधान नहीं है। चार साल से बनी इस समस्या पर एक बार फिर उन्होंने भरोसा दिया। यहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम दीर्घकालीन योजना बना रहे हैं, और उसमें हमने उत्तरकाशी को भी सम्मिलित किया है। उत्तरकाशी भी उसी में है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी कूड़े की समस्या है, उस कूड़े की समस्या का हम दीर्घकालिक रूप से एक परमानेंट स्थायी समाधान की ओर बढ़े।